अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सारी यूजर का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो सब लोग आपकी खैरियत जानना चाहते हैं। सबने फोटो में देखी आज आपके एक्सीडेंट की, और लोग इसे 2012 के चुनाव से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 2012 के चुनाव से पहले भी आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ, अब 19 का भी चुनाव आने जा रहा है, क्या ये कोई साजिश तो नहीं? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और ये भी सुनने में आता है कि जब कोई हादसा होता है, ख़तरनाक हादसा होता है, तो बहुत बड़ी बला टल जाती है। और इसमें हम सभी को, जितने भी लोग गाड़ी में सवार थे, किसी को खरोंच भी नहीं पड़ी लगी। और ये सडन सड़क पर डुमरियागंज से लखनऊ आते हुए बस्ती से पहले, डुमरियागंज बस्ती रोड पे एक सडनली सामने एक ट्रैक्टर ट्राली के आ जाने से, चूँकि रात थी, ट्रैक्टर ट्राली दिखाई नहीं दी, उसके सामने आ जाने से ये एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे कम लगता है कि इसमें साजिश है, मगर मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आवाम का, कि जिनकी दुआओं से मैं, जो बहुत बड़ी ये जो बला था वो टला। चलिए हम अपने यूज़र की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आपसे सवाल करे हैं। सबसे पहला सवाल अब्दुल्ला अंसारी साहब का है। ये सवाल करते हैं कि सर, डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सिर्फ यही एक सवाल है कि ओएसी तेलंगाना में 119 सीटों में से केवल 9 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वो तो उनका अपना क्षेत्र है। ओएसी साहब जो अपने क्षेत्र में जो है वो कम सीटों पर लड़ रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ पीस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, या जहाँ मजबूत थी, या जहाँ उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर रखा था, सिर्फ वहीं से वहीं लड़े। और ख़ास तौर पर सबसे पहले उन्होंने खलीलाबाद में ही मेरे खिलाफ ही प्रत्याशी उतारी और वहीं काफ़ी मेहनत किया। तो वो, मुझे ये नहीं लगता है कि उनकी पार्टी जो है वो मिल्ली मकसद के लिए या आवाम के फ़ायदे के लिए काम करती है, पर मुझे लगता है कि उनका ज़ाति कोई अपना एजेंडा है जिसको लागू करने के लिए वो राजनीति को एक हथियार बनाने की कोशिश करते हैं और उसी पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इमरान अली जी का सवाल है। ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने यूपी में 2014 में 4 सीट से विजय प्राप्त करी, एक कांट विधानसभा से अनीसुर रहमान, वो भी आपको छोड़कर समाजवादी में गए, पर आप इस पर कुछ नहीं बोले, कुछ जवाब दीजिए इस पर। क्या नाम बताया आपने? इमरान अली साहब। 2014 तो लोकसभा का चुनाव था, 2012 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, पिछला विधानसभा का, और उसके बाद 2017 में हुआ था। 2012 में पीस पार्टी 4 जगहों से कामयाब रही और मैं भी उसमें खलीलाबाद से चुना गया था और मैं भी विधायक था। तो ज़्यादातर ये होता है कि किसी भी पार्टी के लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर टूट करके वो सत्ता पाने वाली पार्टी में या सत्ता वाली पार्टी में चले जाते हैं। तो ऐसे खुदगर्ज और बुजदिल लोग सिर्फ मुसलमान में नहीं बल्कि हर कौम में हैं। और सभी लोग देखें कि ज़्यादातर लोग कांग्रेस को छोड़ कर के भाजपा में चले गए, लोग दल को छोड़ के लोग भाजपा में चले गए, बसपा को छोड़ के लोग भाजपा में चले गए, क्योंकि भाजपा की सरकार बनी हुई है। तो इसी तरीके से पीस पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो इंशाल्लाह अलग अलग पार्टियों से छोड़ कर लोग पीस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही पीस पार्टी सरकार में होगी और सभी लोग पीस पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद एहतशाम साहब का ये सवाल है, मिल्लत के लिए आपने या आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है आज तक? पहले तो इमरान बताए, एहतशाम साहब, पहले तो ये आप ये समझ लो कि मिल्लत है क्या चीज़। मिल्लत मुस्लिम समाज को मिल्लत कहते हैं, और हमारी पहले दिन से ये कोशिश है कि 1920 से जो हुसैन अहमद मदनी ने
और मिल्लत को गुलामी के रास्ते पे डाल दिया था और मुसलमानों सियासत को नाजायज़ और सियासत को सिर्फ किसी को हराने जिताने का मनफी किरदार को अदा करता था, पार्टियों का वोट बैंक बना के रह जाता था। मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी की वजह से सबसे बड़ी तब्दीली हुई है और पीस पार्टी ने लोगों को एक एहसास दिलाया कि अगर हम इकट्ठा होते हैं तो मुसलमान ही नहीं बल्कि इस मुल्क का हर समाज जुड़ेगा और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो इसलिए पीस पार्टी का सबसे जो बड़ा मामला है वो उसका मिशनरी है जो उसने मुसलमानों के सोच को बदलने का काम किया है, क्योंकि पीस पार्टी ये आवाम को पहुंचाना चाहती है कि अगर आवाम मुत्तहिद होती है तो इंशाल्लाह ज़रूर पीस पार्टी कामयाब हो जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक विधानसभा में चुन के जाने का रहा है तो मिल्लत के साथ समाज के जितने कमज़ोर तबका के लोग थे सबके लिए पीस पार्टी ने अगर सिर्फ आवाज़ उठाने की ताकत है, कुछ करने की ताकत नहीं है, तो सबके लिए आवाज़ उठाई जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी या जिनको उनका हक और इंसाफ जिनको नहीं मिल रहा था, चाहे दंगा फसाद हो रहा हो, चाहे मुसलमानों के भी ज़राए के जो भी मामले थे, जो भी उनके मामला थे, सबको पीस पार्टी ने विधानसभा में उठाने का काम किया है। अगर हम विधायक रहे हैं 5 साल तक संत कबीर नगर ज़िले के खलीलाबाद विधानसभा में, तो आप वहाँ से पूछेंगे तो कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जहाँ 600-650 गांव हैं, कि कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है जहाँ पीस पार्टी ने कोई काम ना करवाया हो। कि अगर हमारे पास जितनी भी ताकत मिली है तो हमने उन तमाम कमज़ोर वर्गों को देने की कोशिश की है जो माशी एतबार से समाजी एतबार से कमज़ोर रहे हों। ये सिर्फ ये नहीं कि एक फला ख़ास मुसलमान को या ख़ास एक धार्मिक समाज को या ख़ास एक पढ़े लिखे लोग को या किसी मजबूत आदमी को हमने काम करने की कोशिश की है, बल्कि हम समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को हमने ताकत देने की कोशिश की है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और अगर हम सरकार में होते हैं 2019 और 2022 में अगर हम सरकार में होते हैं तो पीस पार्टी अपनी सरकार से पूरी ईमानदारी के साथ समाज के उन वर्गों के लिए काम करेगी जिनको जो अभी तक विकास से छूते हैं, जो विकास से कोसों दूर हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर शाह आलम साहब ने सवाल किया है ये कि आप जमीयत व देवबंद को क्यों बदनाम कर रहे हैं? देखिए हम लोगों का एक हैंड बिल है शाह आलम साहब, उसको अगर पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। कुछ खुदगर्ज और बुजदिल लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, सामने आना नहीं चाहते, मगर अफवाहें फैलाना उनका वो किरदार का एक हिस्सा है और वही लोग ये फैला रहे हैं कि पीस पार्टी जमीयत और दौरानिया देवबंद या उलमा के ख़िलाफ़ है या देवबंद के ख़िलाफ़ है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीस पार्टी किसी का मुखालिफ नहीं है, बल्कि देवबंद और जमीयत के गलत इस्तेमाल के लिए, गैरों के लिए गलत इस्तेमाल के लिए, सियासी इस्तेमाल के लिए, मुसलमानों के पसबंदगी के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो पीस पार्टी इसकी मुखालफत करती है। उसी तरह से जैसे हैरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने मुखालफत की थी, उसी तौर तरीके पर पीस पार्टी भी उनका मुखालफत करती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब पीस पार्टी हुकूमत में आएगी तब जो दलाल हैं जो मुसलमानों की दलाली करते हैं उनका क्या होगा? ये अशरफ अली अंसारी साहब ने सवाल किया है। अशरफ अली साहब देखो अब दलाल एक इसमें एक शेर है कि लोग यूं ही बेवफा नहीं हुआ करते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। लोग यूं ही बेवफा नहीं हुआ करते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो जितने ये खुदगर्ज या बुजदिल या दलाल जिनको आप कह रहे हो ये शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो ऐसी तरीका ढूंढते हैं कि आसानी से वो अपने कौम का सौदा करके हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। तो पीस
पार्टी ये काम नहीं करती है, बल्कि पीस पार्टी उन सबको सम्मान और इंसाफ दिलाती है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी पीस पार्टी में हुकूमत होगी। समाज का हर वर्ग वो पीस पार्टी से जुड़ने का काम करेगा। सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 2018 को पीस 2018 को पीस पार्टी ने पूरे प्रदेश में अनशन पर बैठी और दलित मुसलमानों की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ी। दलित एक समान हिंदू या मुसलमान, ये कहाँ तक सही है? देखिए 1950 का जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है इस मुल्क के लिए, समाज के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, क्योंकि 1985 एक ऐसा 10 फरवरी 1985 एक ऐसा 10 फरवरी 1985 बल्कि 10 अगस्त 1985 एक ऐसा दिन है कि जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा काला धब्बा है, सबसे बड़ा काला दिन है। उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू की सदारत में कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को जो अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल रहा था उससे बेदखल करने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ा जुल्म जो है वो हुसैन अहमद मदनी की अध्यक्षता में वो जवाहरलाल नेहरू की है। अगर ये ताकत ना होते तो उनसे समझौता होता, दोनों मिलकर सरकारें बनाते हैं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद मुर्तजा साहब का सवाल है कि रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट 2006 में आई तो मदनी कंपनी ने उसको लागू कराने के लिए सरकार से आंदोलन अभी तक क्यों नहीं किया? क्या नाम बताया? मोहम्मद मुर्तजा भाई, देखो आपको थोड़ा सा इसमें तरमीम है कि 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट आई और 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की वो सिफारिश आए। ये दोनों चूंकि दलित मुसलमानों के लिए और समाज के पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए और साथ ही साथ आम मुसलमान जो पिछड़ गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि 15% पूरी आरक्षण में मुसलमानों को रिजर्व रहे और दलित मुसलमानों को जो आरक्षण से वंचित किया गया है वो वंचित खत्म हो। यही सिंपल सा मामला है और ये उन्हें करना चाहिए। पीस पार्टी जब से सरकार है इस पर काम कर रही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मैं पीस पार्टी का छोटा सा सिपाही रहमान अंसारी, मेरा सवाल है कि गठबंधन की सीटों के बारे में लगभग कितने दिनों में खत्म होगा? गठबंधन क्या नाम था उनका? रहमान अंसारी साहब, गठबंधन के बारे में मैं समझता हूँ कि अभी हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। सारी चिंताएँ हैं और वक्त के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से हम लोग तय करेंगे, ऐलान करेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस एक बार मैं आपको इतना दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 2019 में पीस पार्टी के लोग जीत करके जाएं और हुकूमत में जो केंद्र सरकार की सरकार बनेगी इंशाल्लाह उसमें सामने ढाल होंगे। सवाल शालम जी का है, 2014 से आज तक ईवीएम मशीन को जनता व अन्य राजनीतिक दल के लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब तक ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा भाजपा को हराना मुश्किल होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब 2019 का लोकसभा चुनाव को महागठबंधन भाजपा को कैसे हरा पाएगी? कौन सा बोल रही है? शालम। शालम साहब देखो, ईवीएम मशीन एक मशीन है जो आवाम के पर्पज़ के लिए बनाई गई है, सॉफ्टवेयर उसमें आवाम के पर्पज़ के लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी अपने सिस्टम से वो काम करके लगाती है। ईवीएम मशीन एक मशीन है, अगर ये बिगड़ सकती है और बिगड़ने के बाद फिर ठीक किया जा सकता है, तो उसको बिगाड़ करके उसको वोटों का हेरा फेरी भी किया जाता है। और यही पीस पार्टी का डिमांड है कि ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट से वोट पड़े और उन बैलेट को गिनवाया जाए। ये पीस पार्टी के साथ सभी विपक्षी जितने नेता हैं सबके लिए, सब इसमें सहमत है और सभी लोग इसका साथ देना चाहते हैं। तो एक बात बिल्कुल सही है कि 2017 रहा है या 18 का जो शुरुआत रहा, जिसमें 4 बाई इलेक्शन हुए हैं, फूटपुर में हुआ है, नूरपुर में हुआ है, कराना में हुआ है, गोरखपुर में हुआ है, इसमें ईवीएम मशीन भी थी और
सरकार ही, केंद्र प्रदेश सरकार दोनों सरकारें हैं, मगर हम लोग इसमें कामयाब हुए और चारों जगहों पर भाजपा हारने में कामयाब हुए। इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर सपा बसपा सिर मिल जाएंगी, पीस पार्टी निषाद पार्टी सिर मिल जाएंगी, उसका असर होगा। ये एक गुणात्मक असर होगा, एक एक और एक के दो वाला असर नहीं होगा, बल्कि गुणात्मक इनसे इम्प्रूवमेंट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फैजल मलिक साहब का सवाल है कि डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, जो आरएसएस और बीएचपी ने 25 को अयोध्या में धर्म सभा के नाम पर भीड़ इकट्ठा की है, क्या ये इसका अचानक चुनाव के पहले शुरू करना लोगों के बीच क्या संदेश जाता है? देखिए, भाजपा की कलाई तो बिल्कुल खुल गई है कि एक भी विकास का कार्य भाजपा ने नहीं किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस मुख्यमंत्री जो सेकुलर होने का शपथ लेता है, जो संविधान के हिसाब से चलने का शपथ लेता है, वो संविधान की और ना फरमारी करे, सिर्फ संविधान के हिसाब से ना चले, मैं समझता हूँ कि उसको बर्खास्त करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कि जो चुनाव के बाद दिखते नहीं हैं, उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चुनाव के बाद भाजपा के लोग पोलराइज करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगले पिछड़े के नाम पर, दलित सवर्ण के नाम पर, ये पोलराइज करने का काम करते हैं ताकि उनका वोट बैंक बढ़े और वो कामयाब हो जाए। ये शायद अली बरेली से एक सवाल कर रहे हैं कि मदनी परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना होने के बावजूद भी आप उन पर लगातार क्यों बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, मदनी परिवार ने कुछ ऐसा काम ही किया है कि उसने मुसलमानों की सोच बदल दिया है। एक इंडिपेंडेंट मुसलमान, खुदार मुसलमान, खुद किसी के पीछे न रहने वाला मुसलमान, पंजाब नेशनल बैंक में जो बैंक खुला है उसमें साधारण क्लर्क हो जा, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। और मुसलमानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सिविल सर्विसेज में आवे, और सब होदों पर है, सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं है ये होदे, बल्कि हुकूमत में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, लोगों को मजबूती दिलाने के लिए ये बनी हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि योगी जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि आपको आपके अली मुबारक और हमारे लिए बजरंग बली काफ़ी है, इससे समाज को क्या संदेश जाता है? देखिए, समाज अब मैच्योर हो गई है, समाज बिल्कुल साफ आ गई है कि ये लड़ाने का लोग काम करते हैं। और आदित्यनाथ चूँकि मेरे ज़िले का ही है, मैं उसे जानता हूँ कि उसने तो कभी मानवता का पाठ पढ़ा ही नहीं है, वो तो सिर्फ लड़ाने मारपीट, गुड़वा शराब की बात करता है, और इसी को सही मायने में धर्म मानता है। पीस पार्टी से हरफल करती है, उसे कामयाब नहीं होने देगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मिराज खान साहब का सवाल है कि आप डुमरियागंज से 2019 का इलेक्शन लड़ेंगे? फैज खान साहब, ये पता है नहीं अभी, और जब पता होगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम लोग आपको बताएंगे। लिए अब खान साहब की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई हिंदुस्तान में ऐसा लीडर आएगा जो सभी वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से कार्य करेगा? सर, एक सवाल और है कि डॉक्टर साहब, 2019 में पीस पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? पीस पार्टी 2019 में जितना गठबंधन तय करेगी जी, और गठबंधन जितना पीस पार्टी को अलाट करेगी, इंशाल्लाह सभी सीटों पर पीस पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। चलिए, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम आपका खत्म करते हैं और अपने यूजर से दरख्वास्त करते हैं कि अगले बार से इंशाल्लाह हम लोग ये प्रोग्राम 7 बजे करेंगे, ताकि एक घंटा पहले, आजकल रात भी जल्दी हो जा रही है, तो ज्यादा तादाद में जवाब दें, सवाल करें डॉक्टर साहब, ताकि उसका सीधे सीधे जवाब दे सकें। वालेकुम सलाम।